गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम. यस, वेरी गुड. सो चिल्ड्रेन, टुडे इन हिंदी क्लास, और हम रोज़ हिंदी में स्वर पढ़ते हैं, आपको पता है ना? और हमने स्वर में अ से बड़े उ तक लर्न कर लिया है ना? और अब हमें अ आ इ ई उ उ इन सभी अक्षरों को अच्छे से लिखना आ गया है ना? हमें अब बुक में लिखना भी आता है और नोटबुक में लिखना भी आता है, राइट? तो चिल्ड्रन, आज हम स्वर में एक नया अक्षर लिखना सीखेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से अ से बड़े उ तक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. तो चिल्ड्रेन, आपको पता है ना, स्वर में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? यस, अ. कौन सा अक्षर आता है? अ, ठीक है? अ आ इ ई. चिल्ड्रेन, मैम के साथ एक बार फिर से आपको बोलना है, ठीक है? अ आ ई ई उ ऊ. एक बार फिर से मैम के साथ आपको बोलना है उ ऊ. तो चिल्ड्रेन, आपको पता है कि बड़े उ के बाद कौन सा अक्षर आता है? बताओ मैम को, कौन सा अक्षर आता है? यस, ए. कौन सा अक्षर आता है? ए, ठीक है? तो चिल्ड्रेन, आज हम ए को बुक में लिखना सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको अपनी हिंदी की बुक निकालनी है और पेज नंबर 26 निकालना है, ठीक है? फिर आपको लेफ्ट साइड में डेट मेंशन करनी है. आज कौन सी डेट है? 8 अक्टूबर 2020, ओके? और यहाँ बीच में आप डेट मेंशन करोगे, ठीक है? तो चिल्ड्रन, यहाँ देखिए, यहाँ पे बड़ा सा ए बना हुआ है ना? कौन सा अक्षर बना हुआ है? बड़ा सा ए, ठीक है? और यहाँ पे एक पिक्चर भी बनी हुई है. ये किसकी पिक्चर है? ये एडी की पिक्चर है. किसकी पिक्चर है? एडी की पिक्चर है, ठीक है? और एडी का पहला अक्षर कौन सा है? एडी कौन से अक्षर से शुरू हो रही है? यस, ए से, है ना? ये देखो, यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है ना, एडी, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बड़ा सा ए बना हुआ है ना, इसको हम ट्रेस करेंगे, ठीक है? ये देखो, ये जो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं ना, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, ओके? तो चिल्ड्रेन, मैम ट्रेस करने के लिए अपनी फिंगर यूज़ कर रही है, ठीक है ना? तो आप कलर भी यूज़ कर सकते हो, राइट? और अपनी फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है? मैम यहाँ पे अपनी फिंगर यूज़ कर रही है ट्रेस करने के लिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला डॉट है बेटा, हम इसके ऊपर अपनी फिंगर को रखेंगे, ठीक है? फिर हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और सेकंड डॉट तक लेके आएंगे, ठीक है? फिर हम सेकंड डॉट से एक स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, ऐसे, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी फिंगर को, ये जो थर्ड वाला डॉट है ना, तो हम इसके ऊपर अपनी फिंगर को रखेंगे, फिर हम एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है? फिर हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, ऐसे, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर को, ये जो फोर्थ वाला डॉट है ना, हम उसके ऊपर अपनी फिंगर को रखेंगे और फिर स्लीपिंग लाइन से एक असर ऐसे ढक देंगे, ओके? तो ये ए बन गया, है ना? तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे, ठीक है? पेज नंबर
27, ठीक है। और इस पेज में भी आप डेट मेंशन करोगे और क्लास वर्क लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे भी ए बना हुआ है, राइट। और यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, और इस पिक्चर में कौन सा नंबर बना हुआ है? 1, ठीक है, जिसे हम हिंदी में एक कहते हैं, ठीक है। और एक कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है? एक का पहला अक्षर कौन सा है? यस, ए है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे भी ए बना हुआ है और कुछ डॉट्स भी दिए हुए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं डॉट्स की हेल्प से ए बनाएंगे, ठीक है। और आप ये ए कैसे बनाओगे ये मैम आपको बताएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक रेड डॉट बना हुआ है ना। तो आप फर्स्ट वाला जो रेड डॉट है ना, उसके ऊपर पेंसिल रखोगे, ठीक है। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक स्लांटिंग लाइन बनाओगे, ठीक है। ऐसे, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए एक और रेड वाला डॉट है ना, जो सेकंड डॉट, हम उसके ऊपर पेंसिल को रखेंगे। फिर हम एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। फिर हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, ये देखो, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लीपिंग लाइन से एक असर ऐसे ढक देंगे, ओके। तो ये हमने ए बना लिया है, राइट। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला बनाएंगे, ठीक है। तो मैम ने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट वाला जो डॉट है ना, रेड वाला डॉट, उसके ऊपर पेंसिल को रखना है आपने। फिर आपको क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लांटिंग लाइन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जो सेकंड वाला रेड वाला डॉट है ना, उसके ऊपर पेंसिल को रखना है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है। ये ए बन गया। अब हम क्या करेंगे, ए का सर स्लीपिंग लाइन से ऐसे ढक देंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन, ऐसे ही आपको ये 2 लाइंस कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहाँ देखिए, यहाँ पे थर्ड और जो फोर्थ लाइन है ना, उसमें आपको ऐसे डॉट्स नहीं दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे मैम ने जैसे डॉट्स बनाए हैं ना, तो आप भी अपनी बुक में ऐसे ही बनाना, ओके। और आप इन डॉट्स की हेल्प से कैसे बनाओगे ए, ये मैम आपको बताएगी, ठीक है। तो आपको रेड वाले डॉट के ऊपर पेंसिल को रखना है, एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर एक स्लांटिंग लाइन बनानी है, ठीक है। फिर आप एक और स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, फिर स्लीपिंग लाइन, ठीक है। फिर स्लीपिंग लाइन से एक असर ढक दोगे, ठीक है, ऐसे। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ये जो रेड वाला डॉट है इसके ऊपर पेंसिल रखोगे आप, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लांटिंग लाइन, ठीक है। फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है। फिर स्लीपिंग लाइन से एक असर ऐसे ढक दोगे आप, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये 4 लाइंस कंप्लीट करनी है, ठीक है। और चिल्ड्रेन, ये तो आपका क्लास वर्क है ना, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है ए अक्षर पर गोला बनाओ। तो चिल्ड्रन यहाँ पे देखो, बहुत सारे अक्षर बने हुए हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन, अब आपको ए की पहचान हो गई है ना। अब आपको ए बुक में लिखना आ गया है ना। तो आप क्या करोगे, ये जो अक्षर बने हुए हैं ना, आप इनमें से अक्षर ए को पहचानोगे और उस पर गोला बनाओगे, ठीक है। और नीटली अपना क्लास वर्क एंड होमवर्क करके मैम को सेंड करोगे, ओके। टेक केयर चिल्ड्रेन।